उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। यहां किसानों ने रात भर अपना डेरा जमाए रखा और अब शुक्रवार सुबह से ही नारेबाजी शुरू कर दी है। इधर आज उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतरेंगे और कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी का किसान सड़क पर उतरेगा। राकेश ने कहा कि यूपी के किसान दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम करेंगे, तो वहीं इस प्रदर्शन के कारण एनसीआर में पहले से ही मेट्रो सेवा बाधित है और नोएडा से दिल्ली मेट्रो नहीं जा पा रही। इसके अलावा दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगने के आसार है। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। तो वहीं पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह भी हंगामेदार रही। यहां रात भर किसान डटे रहे और सुबह होते ही नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को रोकने की कोशिश की है। कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकरण मेरे साथ फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रीत, कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है, लगातार जो किसान है वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और अब नाम जुड़ चुका है उत्तर प्रदेश का भी। क्या पूरी अपडेट फिलहाल, क्यों ये प्रदर्शन इतना ज्यादा समय के साथ बढ़ता जा रहा है? प्रीत जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसान बिल को पास किया गया संसद से और तुरंत उसे कानून के रूप में तब्दील कर दिया गया, किसानों की ओर से यही विरोध है कि किसानों को इस बारे में उनसे पूछा नहीं गया, उनको इस बिल के बारे में बताया नहीं गया और जो तमाम किसान संगठन है उनकी ओर से विरोध किया जा रहा था इस बिल का, बावजूद इसके इस बिल को पास कर दिया गया, कानून बना दिया गया। अब किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मंडी सिस्टम है जहां पर अब तक किसान, एक छोटा किसान जाकर के फसल बेचता था, वहां पर कम से कम जो रेट था किसी भी फसल का वो निर्धारित था, अब वो नहीं रहेगा। जो बिचौलिए हैं उनको मनमानी करने के लिए छूट मिल जाएगी, किसान जो मेहनत से फसल उगाता है उसका उचित दाम नहीं मिलेगा, जबकि नया कानून अब जब इम्प्लीमेंट हो गया है। ऐसे में किसान संगठनों के साथ में दिल्ली हरियाणा के जो किसान है, अब यूपी का किसान भी आज से शामिल हो गया विरोध प्रदर्शन के लिए, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बातचीत की जाएगी, 2 दिसंबर का समय दिया गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से, केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से बातचीत का किसानों का किसानों से, लेकिन इस बीच इससे पहले ही किसान संगठन और दिल्ली और हरियाणा के जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान है उन्होंने 26 और 27 को विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी मांगी थी दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस की ओर से उसको स्वीकार किया कि अस्वीकार किया गया था। ये कहा गया था क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में ये जो प्रदर्शन है वो नहीं किए जा सकते दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में, लेकिन यही वजह है कि अब जो बॉर्डर है बहुत ही मुस्तैदी से सील कर दिए गए हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हर बॉर्डर पे पोस्ट लगाई गई है, सीमेंटेड बैरिकेटिंग लगाए गए, क्योंकि कल एक नजर जाकर ये देखने को मिला जो बैरिकेटिंग थी उनको किसानों ने उठा उठा के फेंका अपने प्रदर्शन के दौरान, वाटर कैनन के बावजूद वो नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे। अब तमाम जो बॉर्डर है दिल्ली के उनके बॉर्डर्स को सील किया गया है, एक तरीके से आवाजाही बंद कर दी गई है, हरियाणा से दिल्ली आने की आवाजाही बंद कर दी गई है, काफी लोगों को दिक्कतें हो रही है गुरुग्राम से और नोएडा से दिल्ली आने में, काफी मेट्रो के जो रूट्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के बाहर के वो बंद कर दिए गए, मेट्रो अब केवल दिल्ली की सीमा में चलेगी, काफी परिवर्तन किए गए हैं इन प्रोटेस्ट को देखते हुए। जी प्रीत, कहीं ना कहीं जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बात अगर मैं करूँ कृषि कानूनों के शुरुआती दौर की, तो लगातार एक मुद्दा जो था वो गरमाया रहा कृषि न्यूनतम ऋण मूल्य से जुड़ा हुआ। अब बात कही गई कि एमएसपी को इसमें जोड़ा नहीं गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने ये बात बार बार कही है कि एमएसपी है कानून के अंदर, एक बार आप देखिए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है क्योंकि मंडी व्यवस्था कहीं ना कहीं आहत हो रही है। इस पर जब किसान नेताओं से बात की गई तो उनका यही कहना है कि गारंटी क्या है इस चीज की कि एमएसपी है इस बिल में, और लोगों का जो पक्ष की सरकार है उसका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब खुद कह रहे हैं तो गारंटी से बड़ी चीज नहीं हो सकती। क्या आगे जाके समन्वय की स्थिति बन सकती है, चूंकि अभी कोई भी आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है? प्रीत
जी बिल्कुल, लगातार किसान संगठन इसी बात को उठा रहे हैं कि जो एमएसपी है, मंडी सिस्टम है, उसको पूरी तरीके से ये जो कोशिश है वो है खत्म करने की। और ये जी भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से कि नई मंडियों का प्रारूप होगा। जो पुरानी मंडियां थी वो हर इलाके से काफी दूरी पर थी, किसानों को बहुत लंबा सफर करना पड़ता था अपने जो किसानों की फसल है उसको बेचने के लिए। जी ऐसे में जो नई मंडियां बनेंगी वो बहुत पास में बनाई जाएगी, हर इलाके में बनाई जाएगी, और साथ ही किसान अपने अकॉर्डिंग अपने दामों पर उसे बेच पाएगा बिचौलियों को। लेकिन क्योंकि अब किसानों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि जो पहले जो एमएसपी निर्धारित था उसमें ही किसान बहुत त्रस्त थे। काफी इलाकों में पहले ही, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में किसान पहले ही गरीबी से, या ये कहा जाए कि उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से सुसाइड करते रहे हैं। जी अब जबकि नया कानून आ गया, ऐसे में किसानों की आगे क्या स्थिति होगी, इससे चिंतित होकर तमाम किसान संगठन, किसान जो है अलग अलग राज्यों के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल और कहीं ना कहीं पूरा जो नॉर्थ भारत है, उत्तरी भारत है, उसमें यूपी, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये किसान भी धीरे धीरे अब शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जी उत्तर प्रदेश के किसानों ने आज ये कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे और वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। जी प्रीत, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, कोविड-19 के कई देशों में यहाँ पर लॉकडाउन लगने के कगार पर है। भारत की अगर बात करें तो दूसरी लहर यहाँ भी शुरू हो चुकी है। ऐसी तस्वीरें सामने आना, क्या इन लोगों को, किसान जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, कोरोना का कोई डर, कोई भय क्या इनमें दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार दिल्ली प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन क्योंकि इससे पहले पंजाब में जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर बैठकर 60 दिनों से उन्होंने प्रदर्शन किया। तमाम जो मालगाड़ियां हैं उनकी आवाजाही में दिक्कत हुई, जो जरूरी सामान था पंजाब में वो आना मुश्किल हो गया। जी इसके बाद विपक्ष की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उन्होंने इन किसानों को ये कहा कि उन्हें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहिए। हालांकि अमरिंदर सिंह की तरफ से ये भी कहा गया, पंजाब के मुख्यमंत्री, कि उनका इस बिल को लाने में कोई योगदान नहीं है, जी बिल केंद्र सरकार लाई है, ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए। जिसके बाद जो तमाम किसान है जो प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब में वो अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, और किसान जो है पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं, 4-4 महीने का राशन लेके पहुंच रहे हैं। ऐसे में इनको कोरोना काल में रोकना कितना संभव होगा ये देखने वाली बात है। संभव कितना हालांकि होगा और पूरी चुनौती कितनी बड़ी होगी प्रशासन के ऊपर, क्योंकि अब प्रशासन दोहरा हो जाएगा, दिल्ली सरकार की यहाँ पर भूमिका देखने को मिलेगी, साथ में यूपी भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वहां पर आदित्यनाथ का जो है वो वहां पर राज है। किस प्रकार से स्थितियों को नियंत्रण में करने की व्यवस्थाएं, चूंकि आपने 4 से 5 महीनों की बात कही है प्रीत। जी बिल्कुल, 4-4 महीने का किसान राशन लेके आ रहे हैं, और यूपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है प्रदर्शन रोकने की, लेकिन कई जगह पे झड़प भी देखने को मिली किसानों के बीच में और सरकारों के बीच में, चाहे हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, जी कई जगह पर वाटर कैनन चलाना पड़ा, आंसू गैस छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज किया गया पुलिस की ओर से। हालांकि दिल्ली की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रदर्शन को इस तरीके से उन पे फोर्स लगाना, या ये कहा जाए कि उन पे लाठी चार्ज करने का विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं रही है। ठीक इसी तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जी किसान अपनी बात शांति से रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले पंजाब में भी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे, वहां कोई किसान घायल नहीं हुआ। लेकिन अब कोरोना काल के तहत केंद्र सरकार की ओर से ये इजाजत दिल्ली में प्रदर्शन के लिए नहीं दी जा रही। यही वजह है कि हरियाणा के बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पे और दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं यूपी में, इस तरीके से रोका जा रहा है। लेकिन कितना संभव होगा, आज दूसरा दिन है किसानों का प्रदर्शन का, लेकिन इतना उग्र है कि उनको रोक पाना कितना संभव होगा ये देखने वाली बात है। लगातार जो किसानों की संख्या है उनका अनुमान लगाना भी किसी भी प्रशासन की ओर से बेहद मुश्किल हो रहा है, ये जी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, चुनौती है प्रशासन के सामने प्रीत, यकीनन। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।